हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आरओ एरो 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उनको शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे, विषय देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे आरओ एरो के प्रीलिम्स के लिए, तो वो यूपी स्पेशल है अलॉन्ग विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी इतने ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं 18 से 20, 22, और यूपी स्पेशल से 20 से 21, 18 क्वेश्चन हर बार आते हैं। आर वी आर ओ में स्पेशली यूपी स्पेशल पर फोकस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है। सो इस वीडियो में जो टॉपिक शेयर करूँगा इनको आपको पहले पढ़ना है। अगर आपको पता है, अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है, तो आप जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ जिस प्रायोरिटी पर उस तरह से आप फॉलो करें, आपको मैक्सिमम रिजल्ट एग्जाम में इसका मिलेगा। बात करते हैं टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहले जब आप पढ़ें तो यूपी में जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके बारे में जरूर पढ़िए। कौन सा लार्जेस्ट ग्रुप है यूपी के अंदर ट्राइब्स का, कितने टाइप की हैं, कौन सी हैं, सब टाइप क्या है, उनका उनके अंदर क्या खास बात है, उनके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उनका खान पान बेसिकली क्या है, उनका फैमिली में सिस्टम क्या है, सोशल जो एक सोसाइटी बना के जिस तरह से वो रह रहे हैं, तो ये सब जनजातियों के ऊपर जो यूपी के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पता होना चाहिए। उसके बाद में यूपी के जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यूपी के अंदर, जैसे इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी इसी के अंदर कुल मिला करके आ जाएगा, देन उसी के साथ में आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी पढ़ लेना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कालीन के लिए अगर भदोही इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद है, या टूंडला किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, अयोध्या की क्या चीज़ पॉपुलर है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री वगैरह है, जहाँ पे बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो इस तरह से जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कहाँ पर पॉपुलर हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और यूपी की बर्ड सेंचुरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ को देखोगे तो आपको खुद ये चीज़ मिल जाएगी, देखने में आएगा आपको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज़ के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर UPPCS का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें कतानिया घाट के ऊपर पूछ लिया गया था कि उसका ईयर क्या था, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इस बार इन्होंने कतानिया घाट की जगह जो चंदौली वाला था उसका पूछ लिया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको पहले ही पढ़ लेना है। उसके बाद में यूपी का बजट और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूपी के बजट में जो योजनाएं, जैसे आपने देखा होगा अभ्युदय पूछा जा चुका है, और भी कई योजनाएं पूछी जा चुकी हैं, इस बार जो आया था उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा पुरानी योजनाएं थी, अनूठी उपहार वगैरह, बट यूपी की योजनाएं पूछी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो इसलिए यूपी का बजट और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में बात करें तो यूपी की भौगोलिक स्थिति, देखिए यूपी का आपका एग्जाम है आरओ एरो का, और अगर आप यूपी की ही ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, जो लोकेशन है, कहाँ पे भावर का क्षेत्र है, कहाँ पे तराई का क्षेत्र है, कौन कौन जो मेजर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किससे बॉर्डर बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों का बॉर्डर लगता है, राजस्थान के साथ यूपी के कितने जिलों का बॉर्डर लगता है, तो ये सब चीज़ें बेसिक है, आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर यूपी का कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शेयर करते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यूपी की जो भौगोलिक स्थिति है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यूपी में जो नदियाँ हैं, आपने देखा होगा नदियों के ऊपर भी क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, इस बार भी अगर आप देखेंगे तो यूपी में नदियों में बेतवा का क्वेश्चन था, मतलब उसके ऊपर ऑप्शन था, उसमें क्वेश्चन में आया हुआ था, बेतवा का था, रामगंगा था, और भी तमाम आप देखेंगे सोन के ऊपर कई बार पूछा जा चुका है, बाकी चंबल है, गंगा है, यमुना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रिवर्स के ऊपर, एंड आपको पता होना चाहिए कि किसकी ओरिजिन कहाँ पर है, या कौन सी नदी अपने दाएं तट से बाएं तट से किससे कहाँ मिलती है, कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई लोकेशन है जहाँ पर वो मिल रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे यमुना है तो यमुना कहाँ पे मिल रही है, केन कहाँ पे मिल रही है, सोन कहाँ पे मिल रही है, कहाँ से ओरिजिन है उसका, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में यूपी में मिट्टियाँ कितने टाइप की हैं, कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है, जो बुंदेलखंड का रीजन है उसमें जो मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी एरिया में यानी कि ईस्टर्न रीजन में यूपी के, ईस्टर्न यूपी में जो मिट्टी का टाइप है वो कौन सा है, क्या उसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा कम होती है, तो ये सब बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई यूपी की मिट्टी के बारे में, सॉइल्स ऑफ यूपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बेसिक जानकारी कम से कम अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा आप डिटेल में आप सॉइल साइंस में ना जाइए, लेकिन बेसिक फैक्ट आपको एटलीस्ट पता हो, ये आपसे डिमांड की जाती है एग्जाम के लिए। इसके बाद यूपी की सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पिछली बार भी UPPCS में एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, एंड उसमें कानपुर, लखनऊ, आगरा एंड एक ऑप्शन और था, उन चारों में लगाना था, तो अगर आपने यूपी की सेंसस नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिस कर रहे हो, तो आपको सेंसस भी ढंग से पढ़नी है। इसके अलावा यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मतलब यह है कि कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि कोई अगर कॉरपोरेशन है, कोई अगर संगठन है वो कब बना था, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो निर्यात के लिए संगठन है, एक्सपोर्ट के लिए, या फिर जो पिकअप है, ये पिकअप भवन, ये पिकअप ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये आपको यूपी स्पेशल की जो तत्सार आती है
घटना चक्र पब्लिकेशन की, उसमें आपको इजीली बात के पेजेस में कुछ 4-5 पेजेस में चीज़ें मिल जाती हैं, वो तो रटा होना चाहिए। बाकी चीज़ें जैसे आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करने का, तो जब आप एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो 4-5 पेजेस को एटलीस्ट आपको 1-2 बार 3 बार जल्दी जल्दी देखना चाहिए, दोहराना चाहिए, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं, बिकॉज वो बेसिकली पूरी बुक की समरी होती है, जिस्ट की तरीके का होता है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ कुछ देख लेने हैं। जैसे अमेठी है तो अमेठी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लखनऊ है तो वहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगरा में क्या है, मेरठ में क्या है, गाजियाबाद में क्या है, नोएडा में, और ये आपका प्रयागराज में क्या है, तो इस तरह से जो मेन मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या किस चीज़ का इंडस्ट्री, किस चीज़ की इंडस्ट्री है, किस चीज़ का मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट तो नहीं है, कोई बड़ा सेंटर तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो नहीं है, कोई साइबर लैब तो नहीं है, इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप बात करेंगे तो यूपी के जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लेकर के फैक्ट जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इसके बाद में यूपी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि विधानसभा है, विधान परिषद है, तो इसमें यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, क्या यहाँ पे सीन होता है, मतलब कितने मेंबर्स हैं तो उनका इलेक्शन वगैरह का क्या सीन है, क्या उनकी पावर्स वगैरह होती हैं, उनको कौन सा आर्टिकल में उनके बारे में बात की गई है, फिर इसके बाद में जो गवर्नर्स की पावर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें जो एक पॉलिटिकल पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसमें भी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे आप पंचायती राज वगैरह की बात करेंगे तो यूपी में पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है वो आपको आइडिया होना चाहिए। इस बार आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन ग्राम सभा से आ गया था, वो क्यों आ गया था, वो ऐसे रैंडमली नहीं आ गया था कि उसके मन में आ गया कि चलो आज ग्राम सभा से पूछ लेते हैं। अप्रैल के मंथ में यानी कि आपके पेपर के 1 दिन पहले काउंटिंग खत्म हुई थी इलेक्शंस की, आपको पता होगा, तो इस वजह से वहाँ से वो क्वेश्चन ड्राइव था, उन्होंने लोकल लेवल पर पूछ लिया था कि ग्राम सभा वगैरह क्या होता है, तो वो आपको इस तरह से दिमाग अपना खोल कर पढ़ाई करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए था कि अच्छा पंचायत के इलेक्शन है या नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं, तो नगर निकायों के चुनाव अगर चल रहे हैं तो ग्राम सभा से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ओपनली दिमाग लगा करके पढ़ना है, एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। यूपी की हिस्ट्री की अगर आप बात करें, यूपी की हिस्ट्री और साहित्य, साहित्यकार, देखिए जो मेजर मेजर यूपी के साहित्यकार हुए हैं उन्होंने कौन कौन से साहित्य की रचना की है, तो वो आपको मेजर मेजर नाम पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो इनकी जो मेन मेन रचनाएं हैं या इनका कोई अगर कुछ है तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसी में से आपको ऑप्शंस में चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर उतना आपने पढ़ रखा है और अगर आपको तब भी नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, मान के चलिए कि वो फिर 100 में से 90 लोग 95 लोग नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से आप उनसे कॉम्पिटिशन से पीछे नहीं होंगे, आप दूसरे क्वेश्चंस में अगर उनसे थोड़ा सा आगे हो जाएंगे तो आप आराम से उनसे बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ होगा एंड हर किसी ने नहीं किया होगा। तो ये रिलेटिवल एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम है, तो इसमें यही मैटर करता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपने सही किया और बगल वाले ने गलत किया तो आप ऊपर हो, ऑब्वियसली अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए और बगल वाले ने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उसने जो आपने गलत किए उसने सही कर दिए तो आपसे ऊपर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको औरों के कंपैरिजन में ऊपर आना है, जो क्वेश्चन अगला गलत कर रहा है वो आपको सही करना है, और जो आप सही कर रहे हो वो तो आपको सही करना ही करना है, और अगले का वो गलत हो तो आप उससे ऊपर रहोगे, तो ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। यूपी की हिस्ट्री यार बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एंशियंट की बात कर लो, चाहे मिडिवल की बात कर लो, चाहे मॉडर्न की बात कर लो, यूपी में क्रमवार जो जो चीज़ें हुई हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मैं ऐसे ही कह रहा हूँ तो प्लीज़ आप एक बार RO 2021 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि यूपी में कितने महाजनपद वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ पे यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे 8 महाजनपद यूपी में हुआ करते थे, एंड क्लियरली आप कोई भी यूपी स्पेशल की किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ आराम से मिल जाती है। सो यूपी की आपको जो हिस्ट्री है वो ढंग से पढ़ के जानी है। आई होप कि मैं आपको बेटर वे में समझा पाया हूँ। यूपी के जो इरीगेशन है यानी कि जो सिंचाई पूरी की व्यवस्था वगैरह है, जैसे जो कैनाल्स वगैरह यहाँ पर हैं तो उनको किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है, आगरा नहर से किसको किसको पानी मिलता है, कौन कौन से जो राज्य हैं या ज़िले हैं वो लाभान्वित होते हैं, या इसी तरह से जो पूर्वी गंगा नहर है, ये जो गंगा ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है, ये सब क्या हैं, तो ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो कहाँ से निकाली गई हैं, कहाँ तक वो जा रही हैं, किस ज़िले को या किस राज्य को उसका फ़ायदा मिल रहा है। जैसे अभी ये आपने देखा होगा कि अभी 1-1.5 महीने पहले इन दी मंथ ऑफ जुलाई दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ गया था, तो उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आप बाढ़ ही कह सकते हैं, फ्लड ही उसको कह सकते हैं। सो वो हथनीकुंड बैराज से जो पानी वानी पूरा सीन वो आपने ऑब्वियसली देखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कोई डैम कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन क्या है, फिर अगर उसमें अगर वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है तो कहाँ पर किस स्टेट में वो पानी जा, तो इसी तरह से समझ समझ के पढ़ा जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर तो उसमें आपको इसी तरह से पढ़ना है कि यार ओरिजिन कहाँ पर है एंड वो किन राज्य किस कितने राज्यों को या कितने डिस्ट्रिक्ट्स को वो हेल्प प्रोवाइड करा रही है। यूपी में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनसे कितना प्रोडक्शन होता है, जैसे अगर कोई लार्जेस्ट है या कोई सबसे छोटा है तो वो आपको पता होना चाहिए।
अच्छा उसमें आपको ये भी देख लेना है कि उसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो कैसा, किस चीज़ पर बेस्ड है। वो थर्मल, थर्मल तो है ही है, लेकिन वो किस चीज़ पर बेस्ड है, गैस है या कुछ और है। तो इस तरीके के कुछ कुछ जो स्पेसिफिक फीचर होते हैं कभी किसी पावर प्लांट के, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ में आपको ये देखना है कि यूपी का जो एग्रीकल्चर है, यूपी में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि की पूरी सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें किस चीज़ में यूपी नंबर वन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यार आलू में बता दो, गेहूं में बता दो, मक्का का बता दो, मेन मेन चीज़ें जो होती हैं दालों का बता दो, तो उसमें क्या यूपी नंबर वन पे है। तो जिन चीज़ में यूपी, जिन चीज़ों में यूपी में यूपी नंबर वन पर है, उनका आपको स्पेशली याद रखना है कि हाँ इसमें नंबर वन पे यूपी है। वो आपसे पूछा जा सकता है, वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फीचर है यूपी का। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें आपको एग्रीकल्चर के अंदर में देखनी है। एंड इसके अलावा मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर कांच बालू की बात की जा रही है या फेल्सपार की बात की जा रही है या फिर आपसे अगर डोलोमाइट पूछ लिया जाए, तो आपको जो मेन मेन मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि यार जैसे हमीरपुर है या सोनभद्र है या मिर्ज़ापुर है या प्रयागराज में जो कुछ कुछ एरिया हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर कौन सा मिनरल यहाँ पर मिलता है, यहाँ से निकाला जाता है, देन उसके बाद में उसको फिर रिफाइन करके बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मिनरल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये रीजन है। जैसे गुरुमा का नाच बिहारी है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई ये कहाँ पर है और ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, और ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी इसके अलावा देखो यूपी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय कम है तो आप सबसे पहले इनको पढ़िए, उसके बाद में आप बाकी चीज़ों पर जाइए। इनसे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें से आपको 16 से 17 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड हाँ, इसमें ऑब्वियसली मेले भी आता है, तो मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोकेशंस होती हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो धमेक स्तूप है वो कहाँ पर है, सहित महित कहाँ पर है, तो ये सब ऑब्वियसली बहुत जनरल हैं, बहुत बेसिक हैं, ये पता होते हैं, तो मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड नहीं किया है। अब जैसे मेले वगैरह हैं, तो मेले बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई बार। टॉपिक्स जो मैंने दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF दी है, उसमें भी मैंने दे रखा है। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप चाहें तो अभी भी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। 1 से 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर आप उसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो वहां से मेरे लिए भी इम्पॉसिबल होगा आपको आगे लाना, बिकॉज आप ऑलरेडी 28 दिन पीछे हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिए, तो फिर भी आप आगे के मंथ में उसको कवर कर लेंगे, जो ये पूरे 28-29 दिन एक महीने का बैकलॉग आपका आया है, वरना फिर आपके लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। लगातार लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। अपना मोटिवेशन जो है, आपका जो जोश है, जुनून है, उसको कम ना होने दीजिए। एंड आगे से तो आपका चुनौतियां भरने वाली है, बिकॉज जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, सो आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी।